बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। रावलपिंडी में होटल वन से नाश्ता करने के बाद मैं बाई रोड सुहावा पहुंचा। सुहावा तकरीबन रावलपिंडी से 77 किलोमीटर पर वाक़िया है और नहायत ही ग्रीन और पुरसकून स्टेशन। तो व्यूअर्स, आज हम रेलवे स्टेशन का विज़िट भी करेंगे और यहाँ पे रेल फैनिंग भी। मगर मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें। व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, गार्डन को देखें कितना अच्छा इन्होंने मेंटेन किया हुआ है और यहाँ लगे हुए बहुत मुख्तलिफ किस्म के फूल जो हैं बड़े अच्छे लग रहे थे। यहाँ पर रहने वाले मुलाजमीन और SM इन्होंने खुद ही ये सारा मेंटेन किया हुआ है, कोई रेलवे इनको अलग से इसका कोई बजट नहीं देता है। सुहावा छोटा सा स्टेशन है, खूबसूरत है और आप ये देखें कि यहाँ पे किसी ट्रेन का स्टॉप भी नहीं है, यहाँ पर किसी पैसेंजर्स का भी आना जाना नहीं है। इसके बावजूद भी इन्होंने देखें कितना अच्छा मेंटेन किया हुआ है। इसकी निस्बत आप अगर ड्रिंक रोड स्टेशन कराची को देखें तो वहाँ अप एंड डाउन से काफ़ी पैसेंजर्स आते और जाते हैं और वहाँ की हालत ज़ार आप देख सकते हैं किस तरह की है। सुहावा रेलवे स्टेशन टोकनलेस सिस्टम पर काम कर रहा है, तो आएँ SM सफदर साहब से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सफदर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं। तो ये ज़रा हमें बताएं ये टोकनलेस सिस्टम के बारे में। पहले हमने पिंडी से पिशावर तक देखा है, वहाँ टोकन सिस्टम लगा हुआ है, तो ये किस तरह काम करता है? सर, ये दो स्टेशनों के दरमियान इसका रास्ता होता है, हमारा रास्ता है जो टर्की और मिसा के साथ है। इधर आगे यानी अप साइड में मिसा है और डाउन साइड में टर्की है। ठीक है, इसको किस तरीके से आप क्लियर करते हैं? ये दो बटन हम दबाते हैं ना तो ये अपना इसका अपना चला जाता है, हमारी बदर चली जाती है। ठीक है, स्टेशन पे ठीक है, वो दो बटन प्रेस करेगा तो ये। अच्छा, फिर फोन पे भी कोई बात होती है इसके साथ? जो फोन पे भी बात होती है सेक्शन क्लियर करने के लिए, ये टोकनलेस सिस्टम कहलाता है। सफदर साहब ये देखें माशाल्लाह यार, ये कितने कितने प्यारे फूल लगे हैं। ये देखें सर, सेवन कलर वाला। SM सफदर साहब के साथ पूरे गार्डन का मैंने विज़िट किया और उन्होंने एक एक प्लांट और फ्लावर के बारे में मुझे बताया। मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि उन्होंने ड्यूटी के साथ साथ किस तरीके से गार्डन को जो है मेंटेन किया हुआ है। पंजाब के और भी मुख्तलिफ स्टेशन के मैं आपके साथ विज़िट करूंगा, सिंध के स्टेशन भी आपको दिखाएंगे, फिर आप उससे कंपैरिजन कीजिएगा कि किस तरीके से यहाँ पे इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। ये सब कुछ वहाँ भी हो सकता है, बस मेहनत और तवज्जो तलब मसला है सारा।
बहुत ही पुरसकून मकाम था सुहावा रेलवे स्टेशन का। परिंदों की आवाज़ें जो है वो बहुत भली लग रही थी। मैं तकरीबन यहाँ पे 2 से 2.5 घंटे रहा और जो भी मुझे अच्छा लग रहा था मैं कैप्चर करता जा रहा था। ये देखें, ये घास है और इसमें ये जंगली फूल जो निकले हुए हैं, ये कितना खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन के साथ ही कोई छोटी सी आबादी है, जो लोग यहाँ पे आके देखें ये कचरा करते हैं, उन्हें चाहिए कि इसकी सफाई का ख्याल रखें। सुहावा रेलवे स्टेशन के फिर एक मुलाजिम को मैंने देखा कि वो यहाँ पे इस कचरे की सफाई भी कर रहा था। फोर्टी सेवन अप रहमान बाबा की इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वो अप्रोच कर रही है, जिसे HBU 20 8049 लीड कर रहा था। जब भी कोई ट्रेन गुजर जाती तो मैं SM के रूम में आ जाता ताकि नई ट्रेन की इन्फॉर्मेशन मिल सके। नेक्स्ट आने वाली ट्रेन 11 अप हजारा एक्सप्रेस थी, जिसे लोकोमोटिव PH-A20 लीड कर रहा था। व्यूअर्स, अप साइड से आने वाली ट्रेन का ये वो मंजर था जो कि एक ही फ्रेम में पूरी ट्रेन को दिखा रहा था, जो कि बड़ा दिलकश लग रहा था। SM रूम से नेक्स्ट आने वाली ट्रेन की जो इन्फॉर्मेशन मिली वो 101 अप सुबह रफ्तार थी, जिसे लोकोमोटिव GEU 20 4558 लीड कर रहा था।
व्यूअर्स, मैं इस वीडियो के जरिए एक मैसेज देना चाहता हूँ जो मैंने यहाँ देखा, जो मुझे बहुत डेंजरस लगा। बड़े अफराद तो ये रेलवे लाइन क्रॉस कर लेते हैं, मगर मैंने कुछ स्कूल के बच्चे यहाँ देखे जो कि प्राइमरी सेक्शन के थे। चलें, ये दो ट्रेनें तो लूप लाइन पे आ रही थी, स्लो थी, उन बच्चों ने देख लिया। जब एक ट्रेन लूप पे खड़ी होगी और दूसरी मेन लाइन पे फास्ट आ रही होगी तो ये बच्चों के लिए क्रॉस करना मुश्किल हो सकता है। लिहाजा स्कूल गोइंग छोटे बच्चे जो इस तरह की रेलवे लाइन क्रॉस करते हैं, वहाँ इनके पेरेंट्स को ख्याल रखना चाहिए। व्यूअर्स, ये जो क्रॉसिंग आप देख रहे हैं, ये मुझे सबसे ज़्यादा आज के दिन जो है वो अच्छी लगी, जिसे 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस जो है वो अप्रोच कर रही थी सुहावा, और लोकोमोटिव ZCU-20-64280 से लीड कर रहा था। दोनों ट्रेनों के लोकोमोटिव पायलट को ये इन्फॉर्मेशन थी कि सुहावा पे क्रॉसिंग है, तो लिहाजा उन्होंने स्पीड देखें कितनी स्लो रखी हुई है, ताकि यहाँ पे स्टॉप ना करना पड़े और चलते चलते ही क्रॉसिंग हो जाए। अपसाइड से जो ट्रेन आ रही थी वो 13 अप आवाम एक्सप्रेस थी। यकीनन मुझ समेत रेल फैनिंग के जो भी शौकीन हैं, उन्हें ये क्रॉसिंग जो है बहुत अच्छी लगेगी। और व्यूअर्स, जैसे भी जब किसी एक्सप्रेस ट्रेन को लूप लाइन पे लिया जाता है तो उसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है। लूप लाइन ट्रैक की हालत भी कोई इतनी अच्छी नहीं होती, अक्सर यहाँ पे ट्रेनों का काम ही गुजर होता है। व्यूअर्स, आज का ये व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आपको मिल सकें।